नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में होली मनाने से पहले जान ले ये नियम। बिहार को मिले 10 नए आईपीएस अधिकारी। अप्रैल से लैंड यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी में विभाग। तमिलनाडु केस को लेकर कोयम्बटूर पुलिस ने बिहारियों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इंदौर पिच को खराब रेटिंग मिलने पर सुनील गावस्कर का बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने 5,395 पदों पर निकाली भर्ती प्रक्रिया। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 5,395 पदों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं पास और ITI पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक वेबसाइट yantraindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यंत्र इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिहार में होली मनाने से पहले जान ले ये नियम। राज्य में होली के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो और सब कुछ अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, इसको लेकर बिहार पुलिस के द्वारा लोगों के लिए ट्विटर पर एक गाइडलाइन जारी किया गया है। और साथ ही यह भी अपील की गई है कि सभी त्योहार सही तरीके से मनाएं। बता दें कि जारी किए गए गाइडलाइन में लोगों से कहा गया है कि होलिका दहन विवादित स्थलों पर न किया जाए। होली पर्व पर पारंपरिक लोक संगीत के गायन में अश्लील तथा फूहड़ शब्दों का प्रयोग न करें। अश्लील गीतों को न बजाएं। महिलाओं के सम्मान करें। किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष अथवा संप्रदाय विशेष पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी न करें। राज्य में पूर्णतः शराबबंदी है। इसके साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि मद्यपान पूर्णतः वर्जित है। शराब क्रय विक्रय तथा प्रयोग करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार को मिले 10 नए आईपीएस अधिकारी। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणामों के आधार पर 2022 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के अधिकारियों का कैडर आवंटित किया गया है, जिसमें बिहार के हिस्से 10 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी आए हैं। यानी कि बिहार को 10 नए आईपीएस अधिकारी मिल गए हैं। वही अगर पूरे देश की बात करें तो देश को कुल 200 नए आईपीएस अधिकारी मिले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जिन 10 आईपीएस ऑफिसरों को बिहार में आवंटित किया गया है उनमें सैलजा, संकेत कुमार, शिवानी, अभिनव, दिव्यांश शुक्ला, रामेंद्र प्रसाद, साक्षी कुमारी, आलोक रंजन, आशीष कुमार ठाकुर, ओम प्रकाश, मंजीत कुमार, प्रिंस कुमार, विशाल कुमार और अभिषेक रंजन के नाम शामिल हैं। बिहारी पोत्रे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राम गोपाल बजाज के बारे में। राम गोपाल बजाज का जन्म आज ही के दिन 1940 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। राम गोपाल बजाज एक भारतीय रंगमंच निर्देशक, शिक्षाविद और एक हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। वह एक संकाय सदस्य और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। रंगमंच में उनके योगदान के लिए उन्हें 2003 में पद्मश्री और 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बजाज 3 दशकों से अधिक समय से फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। वह पहले उत्सव और गोधुली जैसी कला फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में, बाद में मासूम, हिप हिप हुर्रे जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए। उन्होंने मैंगो ड्रीम्स 2016 में डॉक्टर अमित सिंह के रूप में और जॉली LLB 2 में एडवोकेट रिजवी साहब के रूप में अभिनय किया। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की अकादमिक परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल से लैंड यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी में विभाग। राज्य के सभी जिलों में मौजूद अलग अलग जमीन की अलग अलग किस्म और सभी जिलों में जमीन का वर्गीकरण एक जैसा हो सके, इसके लिए अप्रैल महीने से निबंधन विभाग के द्वारा लैंड यूनिफॉर्म लागू किया जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर सहायक निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय के द्वारा राज्य के सभी जिलों के DM को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि वे भूमि वर्गीकरण के लिए एक मानक को तय करने के लिए एक समेकित रिपोर्ट पेश करें। दरअसल विभाग का मानना है कि अगर राज्य के सभी जमीनों के वर्गीकरण एक जैसा कर दिया जाता है तो इससे राज्य चोरी में अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी और साथ ही निबंधन कार्यालय से जुड़े दलालों व बिचौलियों का जमीन की खरीद बिक्री में अनावश्यक हस्तक्षेप भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सरकार को बिना सर्किल रेट बढ़ाए राजस्व बढ़ाने में सफलता मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में राज्य में अलग अलग जिलों में अलग अलग जमीन के प्रकार है।
1 जनवरी 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी आगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू जनवरी 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन की डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब डेट को बढ़ाकर 10 मार्च 2023 तक कर दिया गया है, यानी कि अब कैंडिडेट्स के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 10 मार्च 2023 तक का समय है। इच्छुक उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर कर सकते हैं। बता दें कि बगैर फीस जमा किए गए उम्मीदवार के आवेदन को पूरा नहीं माना जाएगा। एडमिशन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे लाल पहाड़ी के बारे में। लाल पहाड़ी लखीसराय का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बता दें कि यह पहाड़ी हसनपुर में स्थित है। यहां आपको प्राचीन बौद्ध विहार देखने के लिए मिलते हैं। यह बौद्ध विहार दूसरी सदी में बनाए गए हैं। मालूम हो कि यहां पर उत्खनन किया गया, जिसके बाद इन बौद्ध विहार के बारे में जानकारी मिली। अगर आप यहां पर घूमने आते हैं तो यहां पर इन बौद्ध विहार को संरक्षित रखा देख सकते हैं। बता दें कि यह बौद्ध विहार पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी पर स्थित है। यहां पर पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी होगी। मालूम हो कि बरसात के समय यह स्थान और भी सुंदर हो जाता है, जो देखने वालों के मन को भा जाता है। आप यहां आकर अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। 31 मार्च तक 1000 पेनल्टी के साथ आधार से लिंक करवाए पैन। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आधार से पैन लिंक करवाना फ्री है, तो बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग आधार और पैन लिंकिंग के लिए 31 मार्च तक का अंतिम समय है, और अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन आधार से लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपए का पेनल्टी देकर लिंक करवाना होगा। वहीं अगर 31 मार्च के बाद आधार को पैन से लिंक करवाया जाता है तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी के रूप में 1000 से ज्यादा पैसे चुकाने हो, क्योंकि 30 जून 2022 के बाद से इनकम टैक्स विभाग के द्वारा पेनल्टी को डबल कर दिया गया था। बता दें कि इसके पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 30 जून 2022 तक आधार से पैन लिंक करवाने के लिए पेनल्टी के रूप में 500 रुपए लिए जा रहे थे, जिसमें जुलाई से बढ़ोतरी कर 1000 कर दी गई थी। तमिलनाडु केस को लेकर कोयम्बटूर पुलिस ने बिहारियों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। इन दिनों तमिलनाडु में हुए बिहारियों पर हमले को लेकर बिहार की पूरी सियासत गरमाई हुई है। वहीं अब इस मामले को लेकर कोयम्बटूर पुलिस के द्वारा प्रवासी बिहारियों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि प्रशासन के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार किसी भी समय जरूरत पड़ने पर प्रवासी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से जारी किया गया नंबर 0402221091089481212 और 7708100100 है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बाहरी राज्यों के श्रमिकों और कर्मियों की शिकायतों के हल के लिए कोयम्बटूर जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसका नाम प्रवासी श्रमिकों की कमियों को हल करने की समिति रखा गया है। इसके अलावा प्रवासी आपदा प्रबंधन विभाग के टोल फ्री नंबर 1077 पर भी संपर्क कर सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना के लिए विमान सेवा इस दिन से होगी शुरू। इंडिगो की ओर से शेड्यूल जारी कर यह बताया गया है कि किस दिन से देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना के लिए विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना के लिए विमान सेवा की शुरुआत 26 और 27 मार्च से की जा रही है। बता दें कि 26 मार्च को देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7944 11:15 पर उड़ान भरेगी और 12:15 पर पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7945 पटना से दोपहर के 12:35 पर उड़ान भरेगी और देवघर 1:35 पर पहुंचेगी। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से पटना के लिए फ्लाइट शुरू होने से यात्री मात्र 1 घंटे में देवघर से पटना के लिए सफर पूरा कर लेंगे। वहीं इसके लिए टिकट की कीमत 3,934 रुपए तक तय की गई है। नेहा सिंह राठौर पहुंची पटना। बीते दिन लोक गायिका और काबा फेम नेहा सिंह राठौर यूपी से पटना लौटी है। दरअसल वह पटना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहारियों के दर्द को बयां किया और साथ ही वह गाना भी गाकर सुनाई, जो उन्होंने बिहार के मजदूरों के दर्द पर लिखा था। वहीं यूपी पुलिस के द्वारा उन्हें दिए गए नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि उनके वकील के द्वारा उन्हें बताया गया है कि उन्हें जो नोटिस दी गई है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वह बिल्कुल फर्जी है। इसके अलावा उन्होंने अपने गाने गाए
हुए यूपी में काबा को लेकर कहा कि यूपी सरकार के द्वारा बुलडोजर का उपयोग कर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हाथरस में घटना हुई वह गलत था। उन्होंने कहा कि मैंने हाथरस की घटना को लेकर ही गाना गाया था, इसमें गलत क्या है, मैंने सिर्फ भावनाओं की बातों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। पटना और एनआईटी पटना में इतनी सीटों की होगी बढ़ोतरी। नए सत्र 2023 में देश के सभी आईआईटी और एनआईटी संस्थानों में सीट बढ़ने वाली है। इसके तहत आईआईटी पटना और एनआईटी पटना के भी सीटों में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि आईआईटी और एनआईटी पटना में 60-60 सीटों की बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि अब इसमें 60-60 सीटों पर एडमिशन होगा। हालांकि इन सभी टेक्निकल संस्थानों में एडमिशन जेईई मेन और एडवांस के स्कोर से ही लिया जा सकेगा। बता दें कि फिलहाल टेक्निकल संस्थानों में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस की पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अलग से एक विभाग की भी स्थापना की गई है जो इन पर अपना काम शुरू करेगी। हालांकि इन सब के बीच पटना आईआईटी में 6 नए प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इन सभी प्रोग्राम में सबसे खास बात यह है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए अभ्यर्थियों को जेईई मेन के स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इस प्रोग्राम की मदद से कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य के सभी अंचल कार्यालयों के रिकॉर्ड रूम अब होंगे स्मार्ट। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही राज्य के सभी अंचल कार्यालयों के रिकॉर्ड रूम को स्मार्ट बनाया जाएगा। बता दें कई अंचलों में रिकॉर्ड रूम को बनाकर तैयार कर दिया गया है, तो वहीं कई अंचलों में यह काम करना शेष है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए तात्कालिक व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा सभी खतियानों को कम्प्यूटरकृत भी किया जा रहा है और साथ ही भौतिक रूप से भी दस्तावेजों को रखा जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में राज्य के राजस्व अंचल कार्यालयों में खतियान, दाखिल खारिज, नापी, बंदोबस्ती अभिलेख, अतिक्रमण वाद, लगान निर्धारण वाद, भू हतबंदी अधिनियम से प्राप्त भूमि के कागजात के नकल दिए जाते हैं। 15 मार्च तक राष्ट्रीय मानक के प्रमाण पत्र के लिए सदर अस्पतालों को करने होंगे आवेदन। जिला अस्पताल यानी सदर अस्पतालों द्वारा राष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इसके लिए 15 मार्च तक स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पतालों को आवेदन करने के लिए कहा है, ताकि नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का प्रमाण पत्र केंद्रीय टीम निरीक्षण करके दे सके। संजय कुमार जो कि स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक है, उनके द्वारा सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मिशन 60 अब मिशन क्वालिटी में बदल चुका है, इसलिए जिन सदर अस्पतालों ने अपने यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया है उन्हें नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 15 मार्च तक का आवेदन करना है। बिहार में होली के मौसम में घुला गर्मी का रंग। बिहार के मौसम को लेकर हाल में विभाग की ओर से रिसर्च किया गया था। मौसम विभाग के रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बिहार से फरवरी में कई बार पश्चिमी विक्षोभ गुजरा, उसका असर मौसम पर नहीं दिखा। मौसम विभाग की माने तो इस बार लोगों को मार्च और अप्रैल की गर्मी सबसे ज्यादा सताएगी। मौसम में बदलाव हो रहा है, अप्रैल में ही लू चलना शुरू हो जाएगा। मार्च में हवा में गर्मी होगी, धूप में जलन होगी। मार्च के पहले हफ्ते में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बदल रहे मौसम को लेकर चिकित्सकों ने लोगों को सावधान करना शुरू कर दिया है। मौसम में बदलाव की वजह से कई बीमारी लोगों को प्रभावित करती है। चिकित्सकों ने इस दौरान लोगों को खूब पानी पीने की सलाह दी है। उसके अलावा हरी सब्जियों को अपने नियमित डाइट में शामिल करने का भी सुझाव दिया है। बिहार में 4 डीएसपी की हुई प्रतिनियुक्ति। बीते दिन एडीजी मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में 4 डीएसपी को अनुमंडलों में प्रतिनियुक्ति किया गया है और साथ ही रिक्त अनुमंडलों में एसडीपीओ को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। दरअसल बीते 28 फरवरी को कई एसडीपीओ सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुलिस मुख्यालय के द्वारा डीएसपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बता दें कि जिन 4 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति की गई है उनमें डीएसपी राम पुकार सिंह को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मोतिहारी में प्रतिनियुक्ति किया गया है। वहीं एसटीएफ के डीएसपी सोनू कुमार राय को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर छपरा, एसटीएफ के डीएसपी विभास कुमार को रामनगर एसडीपीओ के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं बीएमपी के डीएसपी प्रांजल को पटना जिला में विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कैसे पड़ा उनका नाम पेट पोछना। यह तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं में से अपने एक नाम पेट पोछना को लेकर हाल ही में अरबाज खान के चैट शो द इनविजिबल्स विद अरबाज खान में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें यह नाम कैसे मिला था। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि यूपी बिहार में घर के सबसे छोटे बेटे को पेट पोछना कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि वह पेट वगैरह सब पोछ कराता है। उन्होंने कहा कि यह शब्द बिहार और यूपी में बहुत प्यार से कहा जाता है, यही वजह है कि मुझे भी कई लोग इसी नाम से पुकारते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को बउआ, बिहारी बाबू, सौरगन, शत्रु जी के नाम से भी जाना जाता है।
के स्टालिन ने सीएम नीतीश कुमार से की बात। तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हिंसा को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पर एमके स्टालिन से बात करते हुए बिहारियों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि इस मामले की जमीनी स्तर से जांच करने के लिए बिहार से 4 सदस्यीय टीम को तमिलनाडु भेजा गया है। तो वहीं एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बिहार के लोगों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और तमिलनाडु में हर बिहारी सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु की संस्कृति को नीचे गिराने और राज्य की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ये सभी चीजें की जा रही है। जिन्हें भी फर्जी खबर फैलाने का काम किया है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुधाकर सिंह ने आरजेडी से निकाले जाने पर दिया तेजस्वी को 2 टूक जवाब। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री एवं आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा जाता है, लेकिन अब उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरजेडी से निकाले जाने के बाद पर 2 टूक जवाब दे दिया है। उन्हें बता दें कि बीते दिन मौलाना आजाद पर एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे सुधाकर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि को हटाने का हक सिर्फ जनता के पास है। मेरी पार्टी की ओर से मुझे जो नोटिस भेजा गया था उसका मैंने 1 महीने पहले ही जवाब दे दिया था। मैं इस पर कायम हूं। अगर उन्होंने दोबारा नोटिस भेजा तो मैं फिर जवाब दूंगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बयान देगा तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें सत्ता से सवाल करने का हक है। तेज प्रताप यादव ने दिया लठमार होली का आमंत्रण। होली आने वाली है और ऐसे में सभी लोग इस रंगों के त्योहार को लेकर काफी उत्सुक है। वहीं इस रंगों के त्योहार होली को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा सभी को सादर आमंत्रित किया गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए होली को लेकर आमंत्रित दिया गया है। शेयर किए गए पोस्टर में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली महापर्व का आयोजन 8 मार्च 2023 को 3 स्ट्रैंडेड रोड पटना में किया जा रहा है। इस वर्ष ब्रज की होली की तरह ही लठमार होली 3 स्ट्रैंड रोड पटना में खेला जाएगा। 5 मार्च 2023 से 8 मार्च 2023 तक शाम को वृंदावन की भव्य रासलीला का आयोजन किया गया और साथ ही दिव्य अमृत तुल्य प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। अतः आप सभी सादर आमंत्रित है। इसके साथ ही इस पोस्टर में ऑर्गेनिक होली भी लिखा गया है। वहीं इसमें अगर मौजूद तस्वीर की बात करें तो तस्वीर में तेज प्रताप यादव समेत लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर शामिल है। सीएम नीतीश की पार्टी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बड़ा दावा। इन दिनों राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा में लगे हैं। इसी दौरान उनकी पार्टी के नेता फजल इमाम मलिक ने जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के 5वें दिन भी जेडीयू के प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के नेताओं के द्वारा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और हमारी पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और दूसरे दलों के नेताओं को राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिलाई गई है। इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि यात्रा के आने वाले दिनों में और भी जेडीयू और दूसरी पार्टी के नेता रालोजत की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी नेताओं के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाने के फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं यात्रा को भी लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इंदौर पिच को खराब रेटिंग मिलने पर सुनील गावस्कर का बयान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत को मिली 9 विकेट से हार के बाद पिच को लेकर आईसीसी के द्वारा काफी खराब रेटिंग दी गई, जिसके बाद दी गई इस खराब रेटिंग को लेकर सुनील गावस्कर के द्वारा इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा गया कि ब्रिसबेन गाबा में टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया था। उस पिच को कितना डिमेरिट पॉइंट मिले और वहां मैच रेफरी कौन था? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 3 डिमेरिट पॉइंट थोड़ा सख्त फैसला है। इस पिच पर गेंद टर्न हो रही थी लेकिन यह खतरनाक नहीं थी। जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन हो जाता है तो इससे पता चलता है कि पिच काफी बेहतर है। गौरतलब है कि पिच की दक्षिण अफ्रीका के तब कप्तान डीन एल्गर सहित कई लोगों ने आलोचना की थी और आईसीसी ने गाबा की पिच को कम रेटिंग दी थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महाराजा जयसिंह ने 1699 में अंबर का सिंहासन संभाला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 1851 में स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया। भारत में झारखंड पार्टी की 1949 में स्थापना हुई। अभिनेता संजय दत्त के पिता और फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने 1999 में कोलंबो से 17 सदस्यीय दल के साथ दक्षिण एशिया की 13,000 किलोमीटर लंबी सद्भावना यात्रा आरंभ की। भारत ने समुद्र से जमीन पर हमला करने वाले
ब्रह्मोस मिसाइल का 2008 में सफल परीक्षण किया। इफ्को 2009 में 1 करोड़ टन उर्वरक की वार्षिक बिक्री करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का 1913 में जन्म हुआ। 2010 में भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक जीपी बिरला का निधन हुआ। वायलखंड में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हाँ, भारत सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह केंद्र @goldmitigate@digitalindia का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना और बॉटनेट संक्रमण की पहचान करना है। क्रिएटर्स को कई भाषाओं में वीडियो डब करने की सुविधा देता है यूट्यूब। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने घोषणा की है कि वह मल्टी लैंग्वेज ऑडियो ट्रैक्स के लिए सपोर्ट रोल आउट कर रहा है, जिससे क्रिएटर्स अपने नए और मौजूदा वीडियो को अलग अलग भाषाओं में डब कर सकेंगे। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में कहा, दर्शकों के लिए मल्टी लैंग्वेज ऑडियो का मतलब है कि अब वे अपनी भाषा में डब किए गए वीडियो देख सकते हैं, जो उन्हें और भी अधिक कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रिएटर्स को अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते समय एक्सिस्टिंग कंटेंट इन क्रिएटर्स टूल के माध्यम से अलग अलग ऑडियो ट्रैक्स जोड़ने होते हैं। कंपनी ने आगे बताया है कि क्रिएटर्स के कैटलॉग में मौजूदा कंटेंट को अतिरिक्त ऑडियो ट्रैक्स के साथ भी अपडेट किया जा सकता है। यदि आप एक दर्शक है तो बस वीडियो की सेटिंग पर आपको क्लिक करना होगा और देखना होगा कि दूसरी भाषा में देखने के लिए कौन से ऑडियो ट्रैक उपलब्ध हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, पंकज कुमार दास, योगेंद्र रजक, मोहम्मद नौशद राजा, राम नवी मांझी, श्वेता रॉय, अनिल कुमार, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, अतीक खान, रविशंकर, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद सकीर हुसैन, महमूद अंसारी, मृत्युंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार त्योहारों में प्रवासी लोगों के अपने घर आने को लेकर जो परेशानी होती है उसका क्या निदान निकाला जा सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।